जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में सीआरएसएफ हेड कॉन्स्टेबल के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपका स्टडी प्लान आपकी बार आपको किस प्रकार से करना है, आपका इसमें पेपर में आपको 90+ नंबर कैसे लेके आने हैं, ठीक है फ्रेंड्स, सारे डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर फ्रेंड्स आपका पीएसटी इसमें हो चुका है, पीईटी पीएसटी हो चुका है, अगर आप रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप किसी वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हो, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके 90+ नंबर 100% आएंगे, ठीक है गाइस। तो मैं आपके जैसे समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स ऊपर देखिए सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल, ठीक है, इसमें आपको टोटल पोस्ट की बात करूँ, इसमें टोटल पोस्ट थी 429 में टोटल पोस्ट थी, ठीक है। और फ्रेंड्स नीचे देखिए टोटल फॉर्म, आपके गाइस में टोटल फॉर्म जो फिलअप किए गए थे 15 से 20 लाख के बीच में, आपके टोटल फॉर्म जो फिलअप किए थे, कुछ कह रहे हैं कि 17 लाख फॉर्म थे, 18 लाख थे या फिर 19 लाख थे। देखिए गाइस कंप्लीट किसी को नहीं पता, वीडियोस बन जाती है यूट्यूब पे, बना देते हैं कुछ भी अपने व्यूज पाने के लिए। देखिए भाई मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे भाई के पास बिल्कुल सटीक जानकारी जाए, हर एक स्टूडेंट को पता चले कि यहाँ पे कितना कंपटीशन है, आपके कितने फॉर्म गए हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके 15 से 20 लाख के बीच में आपके फॉर्म गए हुए हैं। अब ये नहीं पता 16 लाख 17 लाख 19 लाख 20 लाख, आप मान के चलो 20 लाख, ठीक है, आप मान के चलो 20 लाख आपके फॉर्म गए हुए हैं वहां पे हैं, ठीक है। और पीएसटी आपका हुआ है इसमें 2019 से, पीएसटी आपका हो चुका है। पीएसटी में मान लो आपके 15 लाख फॉर्म गए वहां पे, ठीक है, या फिर 20 लाख मान लो। पीएसटी में मतलब कितने बच्चे फेल हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 4 लाख 5 लाख समथिंग कितने बस, ठीक है। फिर भी आपका कंपटीशन कितना रहा, 12 से 14 लाख के बीच में कंपटीशन है, 12 से 14 लाख आपके पेपर में बैठेंगे। तो कंपटीशन देख लो आप कितना हार्ड है, आपका वैकेंसी कितनी है 429, 429 पोस्ट है, कंपटीशन कितना है, कितने बच्चों में, लाखों में है, ठीक है। और एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, कह रहे थे कि बच्चे आपके जो ट्रेन टेस्ट में बैठेंगे कितने, 4 लाख समथिंग। चलो आप मान के चलो कि 4 लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे, कैसे बैठेंगे भाई आप बताओ। पीएसटी में क्या था आपका, कुछ हार्ड काम था, आपकी रेस थी या फिर आपकी बीम बीम लगाई गई थी वहां पे, कुछ था नहीं था ना, सब कुछ नॉर्मल था। क्या था, पीएसटी पीईटी और क्या था, हाइट चेस्ट वेट, इतना था ना और कुछ नहीं था ना। फिर भी यूट्यूब पे वीडियो बन जाती हैं, आपके 4 लाख बच्चे पास, भी ऑफिशियल नोटिस आया है और आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। देखिए भाई मुझे व्यूज नहीं चाहिए, वीडियो डिसलाइक मार दो अगर आपको अच्छी ना लगे तो, ठीक है, वीडियो डिसलाइक मार दो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ जो मेरे वीडियो देख रहे हैं मेरे भाइयों को अच्छी जानकारी मिले, स्टिक जानकारी मिले। आप टोटल फॉर्म 15 से 20 लाख के बीच में फिलअप हुए हैं, ठीक है गाइज। तो कंपटीशन आपका काफी हार्ड है। अब मान के चलो आपके पीएसटी क्लियर किया है, कम से कम 10 से 14 लाख बच्चों ने पीएसटी क्लियर किया है, तो मतलब रिटर्न में बैठेंगे आपको, ठीक है। तो कंपटीशन आपका काफी हार्ड है, ठीक है, कंपटीशन लो नहीं है, हार्ड है यार, मैं आपसे कह रहा हूँ कंपटीशन काफी हार्ड है, ओके। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एग्जाम पैटर्न, एक बार आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ, एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, इसमें आपसे क्या क्या कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश जीके मैथ रीजनिंग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैथ रीजनिंग जीके हिंदी इंग्लिश, एक बार हिंदी इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं ऊपर। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश, कई मेरे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर इसमें हिंदी करें या इंग्लिश करें। देखिए जो आपकी चीज अच्छी है, आपका सब्जेक्ट जोन सा अच्छा वो करें, आपको वहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे, हिंदी या इंग्लिश। अगर आपकी हिंदी अच्छी है, आपको समास संधि प्रत्यय उपसर्ग आते हैं, तो आप हिंदी ऑप्शन पे चूंज करें, वहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, हिंदी कर दोगे, ठीक है। हिंदी कितने नंबर की आएगी, 25 नंबर की, इंग्लिश 25 नंबर की। अगर आपके टेंस अच्छे हैं और आपकी वकैब अच्छी है, तो आप इंग्लिश चूंज करोगे वहाँ पे, इंग्लिश सेलेक्ट करना। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी करना, आपके ऊपर डिपेंडेड है आप क्या करना चाहोगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी करें। हिंदी में आप 100% मान के चलो यार, आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। एससीजीडी का पेपर देखना भाई, आप पेपर देखना एससीजीडी का, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, वाक्य का शुद्धिकरण करो, ये कौन सा समास है, ये कौन सी संधि है, ये सब क्वेश्चन आए हुए थे वहां पे। मेरे खुद 25 क्वेश्चन सही हुए थे एससीजीडी में भाई, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ भाई, झूठ नहीं कह रहा हूँ, 25 में 25 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे वहां पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, आप प्लीज हिंदी कीजिएगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी तो इंग्लिश कीजिएगा, मैंने कहता कि हिंदी करो नहीं, लेकिन अगर आप हिंदी करते हो तो आपके 100% ये हो जाएगा कि हाँ आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी में हो जाएंगे सही, ठीक है। नीचे आइए जीके मैथ रीजनिंग, फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है रीजनिंग।
आप प्लीज रीजनिंग पे फोकस कीजिएगा। रीजनिंग एक अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, आप पढ़ते आपको मजा भी आता है, ये नहीं कि मजा नहीं आता है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है आप पढ़ते तो बहुत मजा आता है इसमें, और जिसका मैथ अच्छा होता है उसकी रीजनिंग भी ऑटोमेटिक अच्छी होती है। बात आपने सुनी होगी या फिर खुद आप देख रहे होंगे। दूसरे सब्जेक्ट आपके रीजनिंग है, रीजनिंग पे फोकस कीजिएगा। रीजनिंग में आप 25 में से 24 नंबर भी ले लेंगे आप सेलेक्ट हो इसमें, ठीक है। रीजनिंग में आपको 24 नंबर लेने हैं, हिंदी में आपको पूरे पूरे नंबर लेके चलने हैं। गाइस आप ये मत कहिए कि सर ने बोल दिया और लेने बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैंने खुद पेपर देखा हुआ है भाई, ठीक है, पेपर दिया मैंने भी यार, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, रीजनिंग आपकी काफी सिंपल आएगी, हिंदी काफी सिंपल आएगी, मैथ भी मान लो कि यार मतलब टफ नहीं आता, बिल्कुल अर्थमेटिक आएगा, एडवांस आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ जी दोस्तों सही सुना आपने, आपका जो मैथ होता है वो अर्थमेटिक आएगा, एडवांस नहीं आएगा, ठीक है। मैथ में आप 25 में से 23 24 आराम से कर सकते हो, ठीक है। रही बात जीके की, कई मेरे स्टूडेंट हैं कि घर में कॉपी पेन लेके जीके क्वेश्चन लिखते रहते हैं, यूट्यूब पे चैनल्स बने हुए हैं कि हाँ ये क्वेश्चन ये 20 क्वेश्चन कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये 50 क्वेश्चन पढ़ लो ये सिलेक्शन हो जाएगा। प्लीज गाइज ऐसे वीडियो से दूर रहें, ऐसा कुछ ना करें। एक बुक आती है लुसेंट की, आप उस बुक को ढंग से पढ़ लें, आप आराम से 20-22 क्वेश्चन जीके में कर जाओगे। लेकिन यूट्यूब पे वीडियो बनती हैं, ये करंट के क्वेश्चन याद करो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ये क्वेश्चन पक्का आने ही आने हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए आप अगर सबसे कम फोकस आपको क्या करना है, जीके पे करना है। मैंने पिछली बार क्या गलती की दोस्तों बता दूं आपको, मैंने एक कॉपी बनाई अलग से, क्या कहते हैं जीके के लिए, मैं उसमें नोटिस मतलब कि नोट करता रहा, क्वेश्चन करता रहा करता रहा, मेरे क्वेश्चन कितने सही हुए, ओनली 8 क्वेश्चन से हुए 25 में से। मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैं जीके पे फोकस किया मैंने। आपको गाइस जीके फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है मैथ रीजनिंग हिंदी, तीन सब्जेक्ट है आपके, इन तीनों पे इतना फोकस कर दो ना भाई कि आपके 25 मतलब 25 क्वेश्चन मतलब सही होने ही होने हैं, 75 मार्क्स आपके कटने ही नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए क्या बोला मैंने, 75 नंबर आपके कटने नहीं चाहिए, ठीक है, एक नंबर भी इतना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, समझ रहे हो ना। और रही बात जीके की, जीके आप थोड़ा कम पढ़े प्रॉब्लम नहीं है, आपका मैथ रीजनिंग और हिंदी इतना स्ट्रोंग होना चाहिए। अगर आपको कोई रात में उठ के पूछ लेना, आपको 12 बजे को उठा दे रात में, आपसे कहे कि आप ये सवाल निकालो या फिर रीजनिंग का ये सवाल निकालो या फिर हिंदी का ये बताओ, तो आपको आना चाहिए भाई, ऐसी तैयारी रखनी चाहिए आपको, ऐसी तैयारी करो भाई, तो सिलेक्शन है इसमें, सियासत में कंपटीशन बहुत हार्ड है भाई, ये नहीं कि नॉर्मल कंपटीशन है, ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत सारे फॉर्म भरे हैं, पीएसटी बहुतों ने पास किया है, यूट्यूब पे कह देते हैं 4 लाख होने, 4 लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे, 5 लाख बैठेंगे, सब कुछ बकवास है, ठीक है। मैं तो भाई देख सही बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ भाई, आपको बुरा लगे वीडियो डिसलाइक करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच बात है भाई कंपटीशन बहुत हार्ड है। ध्यान दीजिएगा मैथ रीजनिंग हिंदी इतना जोर लगा दो इन सब्जेक्ट पे कि पेपर वाला भी बोले कि यार इसके इतने मतलब इतने सारे क्वेश्चन सही हुए कैसे, सीधी सी बात है, मैथ रीजनिंग हिंदी में आपका नंबर कटना नहीं चाहिए। अरे बात जीके की, आप जीके लुसेंट की बुक लेके आइए, लुसेंट पढ़िए, आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आराम से लुसेंट पढ़ के सही हो जाएंगे। और ज्यादातर ध्यान दीजिएगा साइंस के ऊपर, साइंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपसे साइंस से काफी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ पे करंट के एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा जीके पे आप इस प्रकार फोकस करें, ठीक है। ये आपका स्टडी प्लान था फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पूरी देखी होगी आपने तो फ्रेंड्स आप मान के चलिए आपके 90+ नंबर 100% आएंगे, अगर आप मेरे कहे अनुसार चलते हो तो, ठीक है, अगर आप मेरे कहे अनुसार चलते हो आपके 90+ नंबर 100% आएंगे दोस्तों, अगर आप ये सब बड़ी बात मान लेते हो। आपको क्या करना है, मैथ रीजनिंग हिंदी पे ज्यादा फोकस करना है, जीके पढ़नी है आपको, लुसेंट की बुक पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, आप आराम से 15-20 क्वेश्चन इसमें ठीक कर पाओगे जीके के, ठीक है। मेरा कुछ स्टडी प्लान था फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको कुछ वीडियो में डाउट लगता है प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आपका जवाब पक्का दूंगा। ये नहीं कि वीडियो सबको अच्छी लगेगी, मैं ही नहीं कहता सबको अच्छी लगेगी, नहीं कहता मैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो वरना डिसलाइक करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई देख मैं बोलता हूँ सही भाई, ठीक है, जो आपको मैंने बात बताई सब बात सच है। एंड भाई अगर आप ऐसे पढ़ोगे 90+ नंबर लिख के ले लो यार 100% आएंगे यार, मैं चाहता हूँ मेरे सब भाई लग जाए ऐसे बैठ के हॉस्टल में। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आज के वीडियो में तो इतना ही था।